नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मामले में जमकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही देश के हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हंगामा कर रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस ओबीसी, कांग्रेस अल्पसंख्यक समेत कांग्रेस के सभी विंग के पदाधिकारियों द्वारा जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राहुल गांधी के बर्खास्तगी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेसी प्रदर्शनरत हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि, और साथ ही अगर बात की जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर अब सड़क से तक सवाल पूछते हुए आ रही है। राजधानी लखनऊ की यह तस्वीर है जहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारी आज जीपीओ जाना चाहते थे, मगर अपने सहयोगी कि दिखाएं कि यहां बैरिकेटिंग लगाकर और प्रशासन की तरफ से इन्हें रोक दिया गया है। इनकी मंशा थी कि ये जीपीओ पर गांधी प्रतिमा पर जाएं और अपनी वहां बातों को रखें, और कहीं ना कहीं बात की जाए तो आज के इस प्रदर्शन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप इनकी तस्वीर हाथों में देख रहे होंगे, इनके कपड़ों पर डरो मत राहुल गांधी की तस्वीर है और साथ ही नेम प्लेट लगाकर ये मांग कर रहे हैं। और बात की जाए तो अगर देखें तो ये तमाम जो कांग्रेसी हैं ये अलग अलग कांग्रेस के मोर्चों से हैं, प्रकोष्ठ से हैं। अगर बात की जाए तो हमारे साथ अजय प्रसाद जी हैं जो कि एससी, आलोक प्रसाद जी जो कि एससी कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, किस मंशा से बैठे थे, क्या आप लोग चाहते थे आज? देखिए, आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र और जो संविधान है वो खतरे में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था तो उसमें सबसे बड़ी बात हम लोग को दी थी कि बोलने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है ना। आज राहुल गांधी ने क्या कह दिया पार्लियामेंट में? क्या किसी को चोर कहना, जो चोर को चोर कहना, इतना बड़ा अपराध हो गया? हिंदुस्तान का इतिहास आपने रच दिया। मानहानि के मामले में पहली सजा अगर हिंदुस्तान में किसी को हुई है तो माननीय राहुल गांधी जी को हुई है, और जो कि मैक्सिमम सजा हुई है। ये एक षड्यंत्र है, ये मोदी जी अपने मित्रों को, अडानी और अडानी को बचाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रखा है, क्योंकि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, किसी और में दम नहीं था, किसी विपक्षी दम में, पार्टी में दम नहीं था। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे और सीना ठोक के बोल रहे थे कि आखिर क्या आपका और इनका रिश्ता, अडानी और मोदी जी का रिश्ता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा ही तो था। उसके लिए एक सांसद को संसद सदस्य समाप्त कर देना, मान लिया राहुल गांधी जी ठीक है, आम आदमी हैं, आप सांसद हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर उनकी सदस्यता आप इस तरह खत्म कर देते हैं तो आप हिंदुस्तान की आम जनता को क्या समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का कहीं ना कहीं उन्होंने छवि धूमिल किया है, उनको चोट पहुंचाया है, बयान को लेके क्या सोचते हैं उनके बयानों पे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी यहीं पे हैं। कहां गए मोदी जी हमारे? वो अल्पसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। आप कृपया करके जो मोदी को इन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने, आप दोनों मोदी जी के बारे में पता करें कि किस बिरादरी के हैं। क्या वो लोग पिछड़ी बिरादरी से आते हैं? क्या ललित मोदी पिछड़ी बिरादरी के हैं? ये पिछड़ी तो है ही नहीं ये लोग, केवल और केवल एक षड्यंत्र करके और राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आज आप लोग जीपीओ जा रहे थे, गांधी प्रतिमा पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाह रहे थे, उससे ठीक पहले बैरिकेटिंग लगा के आपको रोक दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता, कल जो राज्यसभा के अंदर उपनेता है प्रमोद तिवारी, उनका कहना है कि जो हमारा संवैधानिक हक है प्रदर्शन का, उससे कहीं ना कहीं उससे रोका जा रहा है हमको, किस क्या आप इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अपनी बात कहने की हम लोग को आज़ादी नहीं? क्या धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं? महात्मा गांधी जी ने हमें एक अस्त्र दिया था सत्याग्रह का, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी बात करने का, आज उसी अधिकार को खत्म किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के दुर्भाग्य की बात है। आप लोग को रोक दिया गया है, आगे की क्या आप लोग की रणनीति होगी, कैसे इस मामले को लेकर? इसके बाद हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से बात करके, बिजल खाबड़ी से बात करके, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन है शहनवाज भाई, ओबीसी के चेयरमैन है मनोज यादव जी, हम लोग बैठ के रणनीति करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे ले आएंगे, जिले स्तर पर हर जगह हम लोग विरोध करेंगे और अम्बेडकर जी की मूर्ति पर बैठ कर इसको, इस
असंवैधानिक सरकार को, इस अलोकतांत्रिक सरकार को जगा के समझाना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का संविधान है क्या। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनका साफ तौर पे कहना था कि हम अपनी मांग को मांगते रहेंगे, और राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान में शामिल बीवीडी यूनिवर्सिटी की तकरीबन 100 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय के बस और एम्बुलेंस के जरिए राम मनोहर लोहिया और चंदन अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया। इसी के साथ मामले पर लोहिया अस्पताल के मीडिया प्रभारी एपी जैन ने बातचीत में बताया कि बीवीडी यूनिवर्सिटी की कुल 38 छात्राएं देर रात और सुबह 4 छात्राएं लोहिया इमरजेंसी अस्पताल लाई गई, जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी। फिलहाल इलाज के बाद सभी छात्राएं स्वस्थ बताई जा रही हैं। जी नमस्कार, ये बीबीडी जो विश्वविद्यालय है वहाँ की छात्राएं थी, और जैसा बताया जा रहा है कि ये कल कोई फाउंडेशन डे था इनका, स्टार नाइट थी, उसके बाद ये खाली उन विशेष छात्राओं का ही मामला नहीं है जो यहाँ लाई गई है, पूरे संपूर्ण विश्वविद्यालय की स्टार नाइट थी। उसके बाद संभवतः कुछ ग्रुप, कुछ समूह छात्राओं ने कहीं बाहर सामूहिक भोजन सामग्री ग्रहण करी, जिसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, जिसे हम लोग अपनी डॉक्टरी चिकित्सकीय भाषा में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। 38 छात्राएं रात के वक्त लाई गई, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, और जैसा कि हमारी लोहिया संस्थान की कड़े प्रशासन व्यवस्था के बाद जो अभी दीर्घ चिकित्सकीय उपचार व्यवस्था है, खास तौर से आपातकालीन व्यवस्था, वो एकदम दुरुस्त है, सुचारू तौर पर है। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान बीबीडी विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया और चंदन अस्पताल में एडमिट कराया गया। राम मनोहर लोहिया के मीडिया प्रभारी एपी जैन ने हमसे बातचीत में बताया कि कुल 42 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी, जिन्हें राम मनोहर लोहिया संस्थान में ले आया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी छात्राएं स्वस्थ हैं और अभी कोई भी छात्रा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट नहीं है। एपी जैन ने बताया कि कल फाउंडेशन डे के दौरान छात्राओं का एक गुट जो है बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि तकरीबन 100 के करीब छात्राएं बाहर के खाने का शिकार हो रही हैं। वहीं बीबीडी का प्रशासन इस मामले में चुप्पी बरत रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरीके से तकरीबन बीबीडी की 100 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि अभी सभी छात्राएं फिलहाल स्वस्थ बताई जा रही है। हमारे आज के इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।